हे गाइस वेलकम बैक। कल है निफ्टी का एक्सपायरी। निफ्टी का लेवल्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स बताना चाहूँगा। तो बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल लेवल था 46,050, प्रीवियस डे भी मैंने बताया था कि इस लेवल के अगर नीचे मार्केट है तो हम हर राइस में शॉर्ट करके ही चलेंगे। मार्केट ओपनिंग के साथ साथ जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन मिला तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिए थे ना, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैंने बनाया कुछ पोजिशन बना के, और शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। देन देखिए प्रीवियस डे की लो अप्रोक्स टेस्ट की एंड देन थोड़ा बहुत यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। इनको हम बुलिश रैली नहीं कहेंगे। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ उन्हीं लेवल को देखते हुए और करंट प्राइस एक्शन को देखते हुए मैं भी ट्रेडिंग लेता हूँ। आप हमारे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस को भी देख सकते हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो लेवल्स है ये अभी भी इंटैक्ट है। 46,050 के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे, सस्टेन मतलब एक अच्छा क्लोजिंग चाहिए, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, हो सकते उसके बाद यहाँ पे एक्युमुलेशन फेज बनाए एंड देन ब्रेकआउट करे तो अभी हम एंट्री ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए या फिर 15 मिनट की कैंडल नेक्स्ट मोमेंटम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहिए तो अब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, फ्रेश लॉन्ग करेंगे बैंक निफ्टी में। अदरवाइज मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं या यहाँ पे ओपन होते हैं कंसोलिडेट करते हैं यहाँ पे मिले एंड देन यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बने लाइक दिस तो यहाँ पे फिर से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज क्रूशियल लेवल, यहाँ पे क्वांटिटी कम होना चाहिए क्योंकि एक जून के अंदर है ये जो जोन है ना, अगर है तो कभी भी आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ शॉर्ट मत करिए, क्वांटिटी शुड बी लेस। ओके, तो क्वांटिटी हम ज्यादा तभी करेंगे अगर ये 15 मिनट की कैंडल 45,500 के बिलो आ जाए, ठीक है, नीचे क्लोजिंग देना होगा 45,500 के बिलो क्लोजिंग देना होगा एंड नेक्स्ट कैंडल अगर 15 मिनट की जो लो है उनको ब्रेक करे तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं एंड टारगेट रहेगा टिल 45,100 यानी 300 पॉइंट की आसपास टारगेट एंड नेक्स्ट टारगेट 44,700। तो ये है बैंक निफ्टी का डाउनसाइड लेवल। अपसाइड अगर बात करें जो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 46,100 के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है टिल 46,600। चलिए अभी हम आ जाते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में जो लेवल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ ये बेसिकली टूडेज लो जहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव निफ्टी पर देखने को मिला। नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने के लिए ये जो जोन है ये बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन है। हो सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले ले मार्केट, ठीक है, ये जो जोन होगा 840 to 900 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। सबसे ज्यादा यहाँ पे राइटिंग भी हुआ है पुट साइड में, राइट, सो ये एक सपोर्ट जोन है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके एक बुलिश प्राइस एक्शंस बना ले, हैमर जैसे पैटर्न्स बना ले, ओके, शूटिंग स्टार पैटर्न बनाए देन यहाँ पे फिर से आप मूव दे दे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है या फिर आप इसमें ट्रेडिंग मत लीजिए। जो जोन है 22,000 एंड यहाँ पे 21,850, ये जो जोन है ये बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज आप कह सकते हो, यहाँ पे मार्केट टाइम बिता सकते हैं एंड देन ब्रेकआउट के बाद आप पोजीशंस बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे बिता देगा, नहीं, ये जोन को ब्रेक भी कर सकता है। तो मैं जो करूँगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेवल्स की ब्रेकडाउन पर 21,840 या 50 नीचे की तरफ क्लोजिंग अगर दे दे तब जाके मैं यहाँ पे पोजीशंस बनाऊंगा एंड टारगेट 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मैं टारगेट रहूंगा एंड देन इस लेवल्स की अगर ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा टिल 21,700। ये है डाउनसाइड लेवल निफ्टी की जो मुझे लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 850 में। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट दिखा सकते हैं, इसलिए प्राइस एक्शंस को आप फॉलो करिए, क्या मोमेंटम के साथ ब्रेक कर चुके हैं उसके बाद इसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं देन उनकी जो एक्युमुलेशन फेज की ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए। उसके बाद हर एक जो राइस होगा वहाँ पे स्विंग जो हाई होंगे वहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हुए आप यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हो डाउनसाइड मूव को निफ्टी का। ओके, अब बात करते हैं अपसाइड की। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो तो क्वांटिटी शुड बी लेस, क्वांटिटी कम होना चाहिए और जैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग लो आते हैं यहाँ पे भी एंट्री लिया जा सकता है, टारगेट रहेगा टिल 21,970 तक। ओके, ये जो जोन है ये एक हडल है, ये रेजिस्टेंस है, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे हुआ है इस पोजीशन में, तो इनको आप ध्यान रखें जब तक इनके ऊपर सस्टेन ना आ जाए एंड कॉल साइड का जो भी पोजीशन है उस पोजीशन अनवाइंडिंग होना स्टार्ट ना हो जाए तो यहाँ पे बड़ा रैली देखने को नहीं मिलेगा। आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाना चाहूंगा, ओपन इंटरेस्ट ये देखिए वन डे कैंडल आज ओपन होते ही डाउनसाइड मूव तो था लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे जोर लगा के बुल्स ने प्राइस को बिल्कुल मिडिल में आके क्लोज दिए हैं जो कि स्लाइडली बुलिश है निफ्टी के लिए। लास्ट आप 30 मिनट्स देख लीजिए यहाँ पे कॉल साइड में भी अनवाइंडिंग हुआ है,
जो भी पोजीशंस बनाया था दूर की बने रखें, राइट। इन लोगों को भी डर लग रहा है कि अनसर्टेनिटी तो है मार्केट में। ओके, आज के दिन का आप देखिए लास्ट 30 मिनट्स का, चलो फुल डे का भी देख लेते हैं। यस, कॉल साइड में ज़्यादा पोजिशंस है। आप बात करते हैं यहाँ पे फिशर, ये बेसिकली फाइट है दोनों के बीच, कॉल एंड पुट के बीच फाइट तो है। देखिए पीसी अपॉइंटेड एंड यहाँ पे 22,000 में कॉल साइड में 91 लाख ओपन इंटरेस्ट है, पोजीशन है, राइट। जो 21,900 आप देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और भी 50 पॉइंट डाउन साइड मैंने लेके यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके दिखाया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट एक बार रिजेक्शन लेके अपसाइड मूव दिखा सकते हैं, अगर दिखाए तो आप यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के साथ एंट्री लीजिए या फिर अवॉइड कर लीजिए, इसके नीचे आ जाए तो हम शॉर्ट प्ले करेंगे। ओके, तो ये है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर 50 पॉइंट अबव मार्केट को सस्टेन करना होगा। इस पोजीशंस को जैसे स्क्वायर अप होना स्टार्ट करेगा तो और रैली देखने को मिलेगा निफ्टी में। सो लेट्स सी कि मार्केट किस तरह प्ले आउट करते हैं। लेवल्स चार्ट के ऊपर मार्क होना चाहिए, पर्टिकुलर लेवल्स के नीचे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हर उछाल में शॉर्ट करना चाहिए, एंड पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हमको हर डिप में बाय करने की कोशिश करना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अपना जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है उनको फॉलो जरूर करिए, एक ही ट्रेड में आप अपना कैपिटल को वाइप आउट मत करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन।